वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स, जिसमें आज हम बात करेंगे नंबर डेटा टाइप की। इससे पहले हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को पढ़ा, वेर कैर डेटा टाइप को पढ़ा, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को पढ़ा, फिर डेट डेटा टाइप को पढ़ा। नाउ अब हम देख रहे हैं नंबर डेटा टाइप। सॉरी, तो नंबर डेटा टाइप को यूज क्यों करते हैं हम लोग? तो नंबर डेटा टाइप को हम लोग यूज करते हैं नंबर को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने स्टूडेंट टेबल को कंसीडर किया है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज ये मेरा एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें तीन कॉलम्स हैं। ठीक है, और कुछ एट्रीब्यूट्स के लिए मैं रो बना रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज के लिए, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, उनके लिए रो बना रहा हूँ। तो लेट सपोज स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, फिर मार्क्स। मार्क्स सबको मैं शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है रोल नंबर को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेम को, और एम रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को। और ये टेबल मेरा कौन सा टेबल है? स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, नाउ तो हम लोग जानते हैं कि जब नेम लिखते हैं, ठीक है, अभी नेम पे फोकस कीजिए, तो वो किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? कैरेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, और नेम हो गया चाहे कुछ भी, कैरेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, या तो हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं वहाँ पे, या वेर कैर डेटा टाइप को। ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ा है। तो नाउ अब यहाँ पे रोल नंबर है और मार्क्स है। तो रोल नंबर कैसा है, मतलब नंबर के फॉर्म में होगा 1 2 3 4 5। मार्क्स भी कैसा होगा? नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, कुछ डेसिमल पॉइंट्स में भी होंगे, जैसे किसी का मार्क्स आया, लेट सपोज मार्क्स है 70.5, ये भी मार्क्स हो सकता है। किसी का मार्क्स हो सकता है 50 भी। ठीक है, 50 भी हो सकता है। किसी का मार्क्स हो सकता है 90। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3। ठीक है, अब लेट सपोज नेम है ए, बी और सी। ठीक है, तो अभी नेम को, नेम में कैरेक्टर हो सकते थे। ठीक है, तो कैरेक्टर मैंने दे दिया, लेकिन जैसे रोल नंबर और मार्क्स हो रहा है, तो उसमें हमने 1 2 3 मतलब नंबर को लिखा और मार्क्स में भी नंबर को लिखा। तो अभी तक हमने जो डेटा टाइप पढ़ा, कैर डेटा टाइप, वेर कैर डेटा टाइप को पढ़ा, ठीक है, तो उन सब को यूज करके हम कैरेक्टर को स्टोर करते थे। ठीक है, हम लोग उसको यूज करके नंबर को भी स्टोर कर सकते थे। बट अगर कैरेक्टर को अगर सॉरी नंबर को अगर हम लोग कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो जब भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना वहाँ पे, ठीक है, तो वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखिए, अगर मैं रोल नंबर को कैर डेटा टाइप में देता, ठीक है, कैर डेटा टाइप में साइज में दे देता हूँ, तो अब मान लीजिए रोल नंबर मैं 1 लिखता हूँ। ठीक है, 1 लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ, अगर मुझे डेटा अगर मान लीजिए इस टेबल से निकालनी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो रोल नंबर 1 का जो मार्क्स है ना, उसमें 10 इंक्रीमेंट कर दिया जाए। मान लीजिए जब टेबल बन रहा होगा, तो जो किसी ने एंटर किया डाटा, उसमें से 10 10 नंबर को सबने लेस हो गया। अब लेस हो गया, या चाहे ऐसे समझिए कि एक एग्जाम हुआ, ठीक है, एक एग्जाम हुआ तो कुछ मार्क्स आया, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ एग्जाम हुआ, तो फिर से हम टेबल तो नहीं बनाएंगे, इसी मार्क्स में कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, सपोज कि एक सब्जेक्ट का मार्क्स है, अब हमको सेकेंड सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करना है, तो अगर लेट सपोज ये 50 है, ठीक है, रोल नंबर 2 का डेटा, अगर इसको हम कैरेक्टर के फॉर्म में लिखते तो इस तरीके से लिखते ना,
ठीक है। अब इसमें हम अब क्यों हम रोल नंबर को कैरेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या मार्क्स को कैरेक्टर के फॉर्म में, या वैरकर के फॉर्म में, या लार्ज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में नंबर को और क्लियर करूँ क्यों नहीं लिख सकते। पहले ये देखिए, अगर मैं मार्क्स या रोल नंबर को कैरेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का मार्क्स है, ठीक है, ये सब्जेक्ट वन का मार्क्स है, ठीक है। अब दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स हमको इसमें ऐड करना है, तो किस तरीके से, अगर कैरेक्टर ही रहता तो मान लीजिए वो 30 लाया, ठीक है, 30 लाया, अब दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है, सॉरी 30 लाया, तो अब दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है, को एक में रखना है, हमको किस में रखना है, मार्क्स में रखना है, ठीक है। मार्क्स में क्या करना है हमको, सब्जेक्ट वन का प्लस सब्जेक्ट टू का डेटा हमको ऐड करके रखना है। तो जब ये कैरेक्टर, अगर ये कैरेक्टर के फॉर्म में है तो ये किस तरीके से स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा मार्क्स इक्वल टू, ये होना चाहिए 80, बट ये स्टोर कैसे करेगा, 50 एंड 30। तो क्या ये सही डेटा हुआ, नहीं हुआ। तो अगर कैरेक्टर के फॉर्म में हम रोल नंबर या मार्क्स को अगर स्टोर करते हैं डेटाबेस में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो कुछ उसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ना हम, उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए था, 50 प्लस 30 इक्वल टू 80, कब, जब ये नंबर डेटा टाइप होता, लेकिन ये कौन सा डेटा टाइप है, क्या, तो ये हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ये हमको मिलेगा ये 50 30। तो समझ में आ गया कि हम लोग कैर और वैर कैर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस भी क्या है कि हम उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। होप कि ये क्लियर होगा आपको, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब समझ में आया, हम यूज तो कर सकते हैं कैर डेटा टाइप और वैर कैर को भी नंबर में स्टोर करने के लिए, क्योंकि एनीथिंग विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज अ कैरेक्टर। तो हम नंबर को भी लिख सकते थे, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर को भी हम लिख सकते हैं विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वो कैरेक्टर हो जाएगा, लेकिन हम नंबर को पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग नंबर डेटा टाइप को पढ़ रहे हैं। तो नंबर को भी अगर लिखते, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसमें क्या होता, उसमें ऑपरेशन जो परफॉर्म करते ना, उसका रिजल्ट सही नहीं आता, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग फोकस करते हैं नंबर डेटा टाइप पे, ठीक है। तो जैसे हमने थ्योरी लिखा है कि इट इज़ यूज टू स्टोर नंबर इन डेटाबेस, ठीक है, नंबर जो भी रिजल्टिंग टेबल पे वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। नाउ इसका कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है, तो सिंटैक्स होता है ये, सिंटैक्स क्या है, जैसे जैसे हमने कैरेक्टर को पढ़ा, कैरेक्टर टाइप, वैर कैर, लार्ज ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप, जैसा उनका सिंटैक्स होता है, ठीक वैसा ही नंबर डेटा टाइप का भी अपना सिंटैक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, नंबर, ठीक है, नंबर को लिखना होगा, फिर प्रीसीजन। अब नंबर्स पहले हम लोग जानते हैं कॉलम नेम होता है, उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मतलब मान लीजिए कॉलम नेम क्या हो सकता है, कॉलम नेम जो भी हम लोग देखा, क्या, मे बी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग का मार्क्स था, ठीक है। तो ये आपको समझ में, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, तो जो हमको फोकस करना है वो इस पे करना है फोकस। तो सिंटेक्स हो गया नंबर, ठीक है, विद इन ब्रैकेट ओपन प्रीसीजन, ठीक है, फिर कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्केल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलम। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्रिसीशन और स्केल का मतलब क्या होता है, तो इतना बस जानिए, प्रिसीशन मैंडेटरी होता है और स्केल ऑप्शनल होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग कैर में साइज देते थे, कैर या वैर कैर लीजिए, ठीक उसी तरह नंबर डेटा टाइप में हम लोग प्रिसीजन और स्केल को लिखते हैं, जहाँ जबकि मतलब और एक चीज, जबकि कहने का मतलब, प्रिसीजन मैंडेटरी होता है, मतलब नंबर डेटा टाइप में प्रिसीजन का रहना अनिवार्य या कंपलसरी है, लेकिन जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्केल है वो मैंडेटरी नहीं है, ये कॉमा से सेपरेट है यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब पूरा पार्ट जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे है उसका, वो रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, मतलब लेट सपोज एक साइज प्रिसीजन है साइज वन, ठीक है, और साइज टू जो है वो आपका स्केल है, तो साइज वन का रहना जरूरी नहीं है, मतलब साइज टू का रहना जरूरी नहीं है, लेकिन साइज वन का रहना जरूरी है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। नाउ अब
प्रिसीशन और स्केल क्या होता है, ठीक है? तो बस ये जानिए प्रिसीशन क्या होता है ना, मैं आपको यहाँ डिफिनेशन लिखा हूँ, मैं अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? प्रिसीशन इट इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, ठीक है? प्रिसीशन जो होता है ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, और इसकी रेंज होती है 1 to 38, ठीक है? मैं ये भी आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। बट अब स्केल क्या होती है, स्केल भी वही है, इसका भी डिफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? स्केल इट इज यूज टू स्टोर डेसिमल इन द प्रिसीशन एंड, वन सेकेंड ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है? स्केल क्या है, इट इज यूज टू स्टोर डेसिमल इन द प्रिसीशन एंड इट्स रेंज इज 0 to 255। तो सिंटेक्स देखिए फिर से एक बार, नंबर है, प्रिसीशन है और स्केल है। स्केल मेरा मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल रहता है, ठीक है? तो प्रिसीशन क्या है, वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। इंटीजर वैल्यू मतलब जैसे ये डायग्राम में देखिए 1, 2, 3, ये सब इंटीजर वैल्यू हो गई, ठीक है? 50, 90 इंटीजर वैल्यू। अब ये जो 0.5 हो गया, ये क्या, डेसिमल वैल्यू, ठीक है? तो उस डेसिमल वैल्यू को स्टोर कौन करता है, स्केल, और वो कहाँ स्टोर करता है, प्रिसीशन में। कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज हम लोग जानते हैं, पहले मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, एक से पर डेटाबेस नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? रोल नंबर नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ मार्क्स को लेता हूँ, क्योंकि ये आगे हेल्प करेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको रोल नंबर समझ में आएगा। मार्क्स ले रहा हूँ मैं, और इसको मैं नंबर डेटा टाइप देता हूँ, ठीक है? नंबर डेटा टाइप देता हूँ, ठीक है? और इसकी ये जो साइज मैं 2 दे रहा हूँ, तो ये 2 क्या है मालूम है, ये 2 रेफर करता है, ये जो 2 है ये किसको रेफर करता है, ये 2 रेफर करता है प्रिसीशन को, क्योंकि हमने पढ़ा कि नंबर डेटा टाइप में प्रिसीशन को रहना कंपलसरी है, जबकि स्केल ऑप्शनल है, ठीक है? अभी मैं स्केल का भी एग्जांपल दूंगा, पहले मैं प्रिसीशन को समझा रहा हूँ जो कंपलसरी है, पहले मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, और क्योंकि स्केल ऑप्शनल है तो उसको बाद में मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। और प्रिसीशन को हमने समझा कि इंटीजर वैल्यू की स्टोर करता है, ठीक है? तो 1 to 9 सारा स्टोर करेगा, अगर मैं 0 दे दूँ, ठीक है, तो 0 भी तो इंटीजर वैल्यू हो सकती है, बट क्या हम 0 दे सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं दे सकते उसको मैं बताता हूँ, फिलहाल मैं इसको 2 रखता हूँ, ठीक है? और 0 के लिए भी मैं एक केस आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है? मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मार्क्स, वो मार्क्स है, ये मार्क्स 1 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? मार्क्स 1 कर देता हूँ और इसकी साइज़ को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है? ये साइज़ मेरा 0 हो गया। तब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जैसे मैंने मार्क्स को नंबर डेटा टाइप दिया और उसका प्रिसीशन का वैल्यू 2 दिया, जैसे प्रिसीशन का वैल्यू 2 दिया, तो जैसे हमने कैर डेटा टाइप या वायर कैर डेटा टाइप में पढ़ा था, ठीक है? ये मेरा क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, ठीक है? ये डेटाबेस हो गया, तो ये डेटाबेस में क्या किया, एक रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कि हमको नंबर डेटा टाइप के लिए 2 ब्लॉक का मेमोरी दो, ठीक है? तो डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस क्या करेगा, उसको 2 ब्लॉक की मेमोरी दे देगा, ठीक है? 2 ब्लॉक की मेमोरी दे दिया, ठीक है? 2 ब्लॉक की मेमोरी दे दी। अब ये नंबर है, ठीक है? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इस अगर ये जैसे मैंने बोला नंबर 2, ठीक है, तो इसे 2 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है? तो 2 डिजिट, तो इस 2 बॉक्स में, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे 9 जाएगी और यहाँ पे भी 9 जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो वही होगी ना, ठीक है? और अगर मैक्सिमम बोल रहा हूँ तो प्लस में, ठीक है, प्लस में, और अगर मिनिमम बोलूँ तो माइनस में। तो अगर जब भी नंबर डेटा टाइप में अगर जो यहाँ साइज दे रहे हैं मतलब 2 दिए, तो 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 99, और मिनिमम वैल्यू माइनस में 99, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है? अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, तो वही चीज़ है कि अगर मार्क्स 1 में अगर हम नंबर के
वैल्यू जीरो बोल रहे हैं, मतलब साइज जीरो, तो ये डेटाबेस हमें कोई मेमोरी एलोकेट करेगा ही नहीं, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करेगा ही नहीं, तो हम उसमें स्टोर क्या करेंगे, कौन से नंबर को स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 डिजिट है, तो यहाँ हम 50 को भी 90 को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी 70.5 को स्टोर नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, वो मैं आगे बता रहा हूँ, वो भी स्टोर होगा, ठीक है, लेकिन 50 और 90 तो यहाँ स्टोर हो सकते हैं ना, एक बार 50 स्टोर होगा, ठीक है, और एक बार 90 स्टोर होगा, ठीक है। अब तो ये आपको समझ आएगा कि अगर 2 ब्लॉक है तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है। मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ, मैं अभी मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ, ऑफ 3, ठीक है, तो ये मुझे कितने ब्लॉक एलोकेट करेगा। बिल्कुल सही, डेटाबेस हमें 3 ब्लॉक एलोकेट करके देगा, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बस वही होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वही 999, यही होगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूँ, ठीक है, ये सारे को मैं कुछ को इरेज करता हूँ, मैं ये आपको समझ में आ गया है, तो मैं ये पूरा अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अब मैं बॉक्स नहीं बनाऊँगा, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है, नंबर में 3.4, कुछ और मैं ले लेता हूँ, नंबर ऑफ 3.5, नंबर ऑफ 3.6, तो अब बताओ, तो अब ये मुझे डेटाबेस कितने ब्लॉक का मेमोरी मुझे एलोकेट करेगा, ठीक है, जबकि पॉइंट में हो, ठीक है, पॉइंट में हो, तो ये मुझे कितने ब्लॉक का मेमोरी एलोकेट करेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो लेट सपोज ये मेरा एक नंबर लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नंबर लाइन है, एक तरह का नंबर लाइन, मतलब स्केल वैल्यू समझ रहे हैं ना, स्केल अगर आप देखे होंगे तो मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, और ये मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से 1 शुरू होगा तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 1.5, ठीक है, 1.5, अगर ये 0 रहता तो ये 0.5, इसको मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, तब ये मेरा ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर यहाँ 3.4 है, तो मान लीजिए 3 यहाँ पे होगा और 0.4 कहीं ये आसपास में होगा, ठीक है, ये आसपास में होगा, तो जब भी इस तरीके के फॉर्म में अगर हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, मतलब अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर 0.5 से कम है तो वो फिर फ्लोर वैल्यू को लेगी, ठीक है, मतलब जो बॉटम में वैल्यू, तो बॉटम में मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ 3, और डेटाबेस इसको 3 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट करेगी, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 0.5 या उससे ज्यादा है तो फिर वो टॉप की वैल्यू को ले लेगी, तो ये फाइनली बिकम जाएगी, बन जाएगी 4, और डेटाबेस 4 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट करेगी, ठीक
ठीक है। और जैसे मैंने बोला, अगर 0.5 या उससे ज़्यादा की वैल्यू है तो फिर वो फाइनल वैल्यू मतलब टॉप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी, तो इस ये भी 4 बन जाएगी और डेटा बेस हमें 4 ब्लॉक की मेमोरी ये दोनों के लिए एलोकेट करेगी, अब इसके लिए 3 ब्लॉक की मेमोरी को एलोकेट करेगी और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी जो 3 डिजिट और 4 डिजिट में होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और दूंगा जिससे आपको, अब ये था तो प्रिसिशन इसमें से आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, टेबल वही रहने दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो भी हमने लिया तो सिर्फ ये दो तरह के नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास डेसिमल में वैल्यू हो तो उसका क्या? ठीक है, उसका क्या? तो उसके लिए भी है, मान लीजिए जैसे अभी मेरे पास ये है, क्या है ये, ठीक है, ये है ना मेरी वैल्यू, तो जहां पे मैंने बोला प्रिसिशन कंपलसरी है, तो अभी तक तो जितने एग्जांपल था वो प्रिसिशन को था, और स्केल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो लेट सपोज, ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जांपल में लेता हूँ उसके बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, 5,3, ठीक है, फिर मैं लेता हूँ नंबर ऑफ कॉमा 6,2, फिर मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ 5,6,4,3, ठीक है, अब देखिए, और मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ, मैं भी सारे को बताऊँगा, 3,3, ठीक है, नंबर ऑफ 2,8, ठीक है, नंबर ऑफ 3,4। अब इतने एग्जांपल से आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतने मेरे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे ये डेटाबेस है, मान लीजिए डेटाबेस है, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 5,3 है, कुछ ये जो मेरा सिंटेक्स के फॉर्म में है, 5 के बाद कॉमा भी है, और ये स्केल की वैल्यू, और ये 5 प्रिसीजन की वैल्यू, तो हम लोग जाने कि प्रिसीजन की वैल्यू 1 to 38 होगी। 1 से ही क्यों स्टार्ट होगी, 0 से क्यों नहीं? तो 0 को हम लोग हमने समझा क्योंकि 0 दे देते हैं तो फिर डेटाबेस हमें कोई मेमोरी एलोकेट करेगी, क्योंकि प्रिसीजन के बेस पे हमें मेमोरी एलोकेट हो रही है। फिर कॉमा, उसके बाद 3, मतलब अब यहाँ पे स्केल भी आ गई। पहले हमने देखा इसके एग्जाम्पल में, उसमें स्केल की वैल्यू नहीं थी तो उसके लिए मुझे सिंपल से वैल्यू ब्लॉक एलोकेट कर दे रहा था डेटाबेस मेमोरी ब्लॉक, लेकिन जब स्केल हो तब किस तरीके से डेटाबेस हमें मेमोरी एलोकेट करेगा नंबर को स्टोर करने के लिए? तो यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर है, स्केल है, और स्केल की वैल्यू रेंज कहाँ तक होती है? 0 to 255। अब 0 to 255 क्यों? अगर ये 0 भी हो सकती है क्योंकि मेमोरी तो इसके बेसिस पे एलोकेट हो रही है प्रिसीजन के बेस पे, तो हमें स्केल से कोई लेना देना नहीं है, तो वो 0 से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 255 तक ना। ग्रेट, अब देखिए 5 और 3 है, ठीक है, अब 5 और 3 है तो इसके लिए डेटाबेस हमें किस तरीके से स्टोर करेगा? तो पहले हम इसका थ्योरी देखते हैं एक बार और। तो प्रिसीजन को हमने जैसे पढ़ा, इट इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू एंड इट्स रेंज इज 1 to 38। इस पर फोकस कीजिए, ये इंटीजर वैल्यू की स्टोर कर रही है और ये डेसिमल को, ठीक है, स्केल डेसिमल को, लेकिन कहाँ? इन द प्रिसीजन, प्रिसीजन में स्टोर करें। कहने का मतलब क्या है देखिए, अब यहाँ पे तो हमने जाना कि प्रिसीजन के अकॉर्डिंग ही जितना प्रिसीजन की वैल्यू होती है डेटाबेस हमें उतनी मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करती है। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो प्रिसीजन की वैल्यू मेरी 5 है, ठीक है, प्रिसीजन की वैल्यू 5 है, तो
इतनी ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट होगी और स्केल के लिए एलोकेट होगी कि नहीं? नहीं, स्केल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जो भी मेमोरी एलोकेट होती है वो प्रिसीजन के लिए एलोकेट होती है, क्योंकि इसका इसीलिए जो प्रिसीजन का रेंज है वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से, और 1 से स्टार्ट होकर 38 तक जाता है, और स्केल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। ठीक है, जो भी मेमोरी एलोकेट होता है वो प्रिसीजन के लिए होता है, तो इसके लिए कोई हमें अलग से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी 3 ब्लॉक की। ठीक है, कोई डेटाबेस हमें एलोकेट करके नहीं देगा, तो ये डेटाबेस हमको एलोकेट करके दे दिया। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने ये बोला, हमने देखा कि स्केल यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यू इन द प्रिसीजन। डेसिमल वैल्यू कहने का मतलब, यहाँ देखिए ये 70.5 है, तो 70 इंटीजर वैल्यू हो गई, लेकिन 0.5 क्या इंटीजर डेसिमल वैल्यू हो गई ना? 70 तो इंटीजर वैल्यू, लेकिन 0.5 डेसिमल वैल्यू, तो इस पॉइंट मतलब जो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है इधर में राइट साइड में, उसको स्टोर करती है प्रिसीजन में। मतलब जो स्केल है वो डेसिमल वैल्यू को इस प्रिसीजन में स्टोर करती है। कैसे करती है वो देखिए, तो जैसे हमने ये लिखा कि नंबर 5,3, ठीक है, तो डेटाबेस हमें 5 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट कर दिया, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, अब अगर 5 में से 3 ग्रेटर कौन है, प्रिसीजन है ग्रेटर है, और स्मॉलर कौन है, स्केल। ठीक है, तो जैसे हम मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है, 5 माइनस 3 करते हैं, ठीक है, तो ये आया 2, तो ठीक है ये 2 हो गया, तो अब ये जो 2 ब्लॉक बच रही है मेरी, ठीक है, ये 2 ब्लॉक में हम क्या स्टोर करेंगे, ये 2 ब्लॉक में हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, हाँ, 2 ब्लॉक में इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, और बाकी प्रिसीजन की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 ब्लॉक चली गई किसके लिए, इंटीजर के लिए। ठीक है, 2 ब्लॉक इंटीजर के लिए गई, और बाकी जो बचा, अब 3 ब्लॉक अभी भी बचा, और प्रिसीजन के वैल्यू 3 है, तो ओ सॉरी स्केल के वैल्यू 3 है, तो ये जो 3 ब्लॉक है उसमें अब स्केल वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। अब देखिए कैसे, अब डेफिनेशन आपको थोड़ा कनेक्टेड लगेगा। तो शुरुआत की जो 2 ब्लॉक होगी, ठीक है, ये 2 ब्लॉक इंटीजर के लिए गई, ठीक है, मैं कलर से सिंबलाइज कर दे रहा हूँ, और बाकी जो 3 ब्लॉक बचा, ये 3 ब्लॉक वो डेसिमल वैल्यू स्टोर हो, उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। अब फाइनली ये डायग्राम बनेगा कैसे, मैं आपको करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फाइनली जो ये होगा, ठीक है, वो देखिए किस तरीके से एलोकेट होगा। ठीक है, तो हमने वहाँ देखा, तो अब ये देखिए इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, अभी भी डेटाबेस हमें 5 ब्लॉक एलोकेट किया, क्यों किया, क्योंकि प्रिसीजन की वैल्यू 5 है, ठीक है, लेकिन 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, वो 2 वैल्यू इंटीजर के लिए गया। ठीक है, और बाकी का जो 3 ब्लॉक गया वो डेसिमल पार्ट यानी स्केल वैल्यू, और यहाँ पे पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट होती है। ठीक है, नाउ अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होगा, सेम ही होगा, सब में 9, 9, 9, 9 और 9 ये होगी। ठीक है, नाउ अब ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन है 6,2, तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए आया 4, तो 4 ब्लॉक किसके लिए जाएगी, 4 ब्लॉक अभी तक हमने पढ़ा, तो 4 ब्लॉक ये इंटीजर पे गई, ठीक है, और 2 ब्लॉक डेसिमल के लिए, ठीक है, ये 2 ब्लॉक, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया किस तरीके से एलोकेट हो रहा है। चलिए
और मैं आपको कुछ बाकी अब इसका देता हूँ एग्जांपल थर्ड का, ठीक है, थर्ड में कैसे काम होगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख के बताऊंगा, ड्राइंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो थर्ड का देखिए, थर्ड में क्या है, 5.6 है, ठीक है, क्या है नंबर ऑफ, किस तरीके से 5.6 कॉमा 4.3। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये डेसिमल पॉइंट में है तो ये फाइनली हो जाएगा 6.4, ठीक है। तो 6.4 होगा, तो अब आप बताइएगा इंटीजर के लिए कितनी ब्लॉक एलोकेट होगी। तो इंटीजर के लिए एलोकेट होगी 6-4 इक्वल टू 2, दो ब्लॉक इंटीजर के लिए। तो डेसिमल के लिए, डेसिमल के लिए एलोकेट होगी जितना स्केल का वैल्यू है, 4 ब्लॉक, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब फिर फाइनली मेरे पास है 3.3, ठीक है, अब उसको भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे, 3.3, ठीक है, 3.3 है, मतलब स्केल की भी वैल्यू वही है और क्या बोलते हैं, प्रिसिशन के वैल्यू और स्केल की वैल्यू लगभग सेम है। तो अब मैं इसको भी आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। ये 3.3 है, तो अब इसमें से अगर मैं स्केल और इंटीजर के लिए, क्या पहले मैं आपको लिख ही दे रहा हूँ, इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, कितनी ब्लॉक, 3-3 इक्वल टू 0, ठीक है, 3-3 टोटल ब्लॉक 3 एलोकेट हो रही है, ठीक है, जितना प्रिसिशन का वैल्यू रहेगा ब्लॉक तो टोटल उतनी एलोकेट होगी, लेकिन इंटीजर के लिए कितनी ब्लॉक एलोकेट होगी वो जब उसमें हम प्रिसिशन और सब स्केल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। तो 3-3 तो इंटीजर के लिए 0 एलोकेट हो रही है, तो डेसिमल के लिए पूरी की पूरी 3 ब्लॉक एलोकेट होगी, क्या होगी, डेसिमल के लिए पूरी की पूरी 3 ब्लॉक। अब देखिए वो कैसे किस तरीके से एलोकेट होगी, मैं करके बता रहा हूँ। तो कुछ ये रहा, ठीक है, 3 ब्लॉक है ना, तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और ये 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक हो गया, ठीक है। क्यों, और मैं एक एक्स्ट्रा ब्लॉक क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो 3 ब्लॉक प्रिसिशन के लिए स्टोर हुआ वो पूरा का पूरा 3 ब्लॉक मतलब एलोकेट हुआ प्रिसिशन के लिए वो, लेकिन उस तीनों ब्लॉक में क्या आ रहा है, ये मतलब ये स्केल आ जा रहा है, ठीक है, एलोकेट तो हुआ इसके अकॉर्डिंग, डेटाबेस ने एलोकेट उसके अकॉर्डिंग किया, ठीक है, लेकिन फिर उसमें स्टोर क्या हो रही है, ये स्केल की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो स्केल का वैल्यू क्या होता है, डेसिमल वैल्यू होता है। अगर तो इस स्केल में मैक्सिमम और मिनिमम यही 9.9 होगी, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सी वैल्यू स्टोर है, स्केल, स्केल मतलब डेसिमल, तो डेसिमल मतलब हम लोग को यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 होगा, अब ये पूरा होगा, तो इस तरीके से वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अगर प्रिसिशन और स्केल सेम रहा तो पूरा ब्लॉक फिर इस जाएगा, पूरा जो ब्लॉक होगा उसमें डेसिमल की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर वैल्यू कोई स्टोर नहीं होगा। होप कि आपको ये भी तो ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बचा फिर ये दोनों, ठीक है, चलिए ये दोनों को भी देखते हैं। तो फिर मैं पूरा टर्म को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या समझे कि मेमोरी किसके अकॉर्डिंग एलोकेट होती है, मेमोरी एलोकेट होती है प्रिसिशन के अकॉर्डिंग में, ठीक है। मैं यहाँ डेटाबेस फिर से बना ले रहा हूँ, ठीक है, कि डेटाबेस वो मेरा बी सही नहीं आ रहा है, ये मेरा डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब हमने बोला कि हमने जिसे जाना कि जो ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, प्रिसीजन की जो वैल्यू होती है। ये पर यहाँ देखिए प्रिसीजन की वैल्यू क्या है, 2 है, और स्केल की वैल्यू क्या है, 8 है। तो हमने क्या समझा अभी तक, देखा कि प्रिसीजन में स्केल को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो वैल्यू आएगी ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इंटीजर को स्टोर करेंगे उतने ब्लॉक में, मतलब प्रिसिशन में अगर स्केल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो इंटीजर वैल्यू आएगा
उतने ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो आप क्या ये बता सकते हैं फाइनली चलिए, तो यहाँ प्रिसीजन की वैल्यू क्या है, प्रिसीजन की वैल्यू 2 है, तो हमें डेटाबेस कितने ब्लॉक एलोकेट करेगा, ध्यान दीजिए डेटाबेस हमें 2 ब्लॉक एलोकेट करेगा, तो क्या 2 ब्लॉक में हम -6 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं लगता, पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ थ्योरी अगर मैं लिखा हूँ उसमें आ जाओ, नहीं इसमें नहीं है, चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जा रहा है, प्रिसीजन छोटा हो जा रहा है और स्केल बड़ा हो जा रहा है, तो जब कभी, ठीक है, जब कभी स्केल, स्केल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्केल अगर बड़ा हो या इक्वल टू वो प्रिसीजन के, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल में प्रिसीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्केल में प्रिसीजन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, अब खाली इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ क्या है, 2,8 है, 2,8 है, तो यहाँ पे प्रिसीजन छोटा है, तो जब भी ये छोटा हो प्रिसीजन, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं अलग लाइन पे कर देता हूँ, तो पहले तो 8 माइनस 2 करें तो आया कितना, 6। ठीक है, तो 8 माइनस 2 करने पे 6 आया, तो जब भी ये आ गया तो उतने हम जीरो लगा देंगे, कितने 6 जीरोस लगा देंगे। ठीक है, 6 जीरो लगाएंगे किससे पहले, तो हम लोग 6 जीरो लगाएंगे ये स्केल वैल्यू से पहले। ठीक है, अब और जो प्रिसीजन में वैल्यू है, ठीक है, जो प्रिसीजन में वैल्यू है, हम उतने ब्लॉक में डेसिमल पार्ट को स्टोर करेंगे, तो प्रिसीजन वैल्यू कितनी है, 2, तो उतने पार्ट में हम लोग फिर डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब देखिए कैसे, तो यहाँ फिर मैं वही बात करूंगा, डेटाबेस हमें कितने ब्लॉक एलोकेट करेगा इसके लिए, 2 ब्लॉक, क्यों, क्योंकि प्रिसीजन की वैल्यू ही 2 है। ठीक है, तो ये 2 ब्लॉक एलोकेट करेगा, ये 2 ब्लॉक एलोकेट किया, ठीक है, ये 2 ब्लॉक एलोकेट किया, तो इस 2 ब्लॉक में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, 9 और 9। ठीक है, अब हमने क्या बोला, 8 माइनस 2 होना चाहिए था, ये 6 हो गया, ये 2 होना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये 2 है, 8 माइनस 2 करे तो 6 आया। ठीक है, अब जो 6 आया ना, तो उतने हम इस पॉइंट से पहले जीरो लगा, सॉरी ये जो आ गया 99, तो इससे पहले हम उतने हम जीरो लगा देंगे, तो 1 0 2 0 3 0 4 5 और 6, तो इस तरीके से 6 जीरो लगा देंगे। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 6 जीरो लगाने का मतलब क्या हो गया, तो आप ही बताइए कि अगर कोई भी नंबर से पहले कितना भी जीरो रहे तो उसका कोई मतलब बनता है, नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। तो सिमिलरली, तो आप कह रहे होंगे कि तुम सिंगल जीरो भी लिख सकते थे, तो नहीं, अगर आपको इस तरीके से अगर परफॉर्म करना है, जब मतलब एसक्यूएल में जब आप करेंगे टास्क और इस तरीके से जब आएगा, तो डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर होगी ना, तो कुछ इसी फॉर्म में वो वैल्यू को स्टोर करती है, तो एक्चुअली तो 2 ही ब्लॉक स्टोर होगी। ठीक है, 2 ही ब्लॉक में जो वैल्यू स्टोर होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट मतलब जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये इतने जीरो अब उस डिजिट से पहले लगे होंगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा 3.4 के लिए कितने एलोकेट होंगे, तो टोटल मेरा कितना 3 ब्लॉक है, तो 3 ब्लॉक एलोकेट करता हूँ मैं, तो 3 ब्लॉक एलोकेट हुआ। ठीक है, इसमें भी वैल्यू कितनी जाएगी, इसमें भी वैल्यू 9 9 9। ठीक है, अब 4 माइनस 3 कितना, 1, तो यहाँ पे 1 जीरो, ठीक है, 1 जीरो और उससे पहले फिर 0 और ये, तो कुछ इस तरीके से ये हमें डेटाबेस मेमोरी लोकेट करेगा और इस तरीके से नंबर वहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, अब कुछ मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि आप फंस सकते हैं। ठीक है,
लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरो कॉमा फोर, ठीक है, और नंबर ऑफ फोर कॉमा जीरो, ठीक है। अब ये देखिए, इसके लिए कितने ब्लॉक एलोकेट करेगी, थोड़ा ध्यान से सोचिए। जी हाँ, इसके लिए डेटाबेस हमें कोई मेमोरी एलोकेट ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ प्रिसीजन का वैल्यू जीरो है, और हम लोग जानते हैं प्रिसीजन का वैल्यू का रेंज स्टार्ट होता है 1 से 38। अगर यहाँ जीरो है तो जीरो ब्लॉक तो हमें मेमोरी एलोकेट करेगा ही डेटाबेस, तो ये सिंपली जब हम लिखेंगे तो हमें एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए कितना एलोकेट होगा, ये समझ में आ गया, तो अब बताइए कि इसके लिए मुझे कितने ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट होगी। प्रिसीजन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये मतलब 1 to 38 के बीच में है, और जो जीरो है वो 0 to 255 के बीच में है, तो इसके लिए मुझे डेटाबेस 4 - 0 करेंगे तो 4, सिंपली मुझे 4 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट करेगी, ठीक है, ये 4 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट करेगी, और 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 999, 4 टाइम्स, और लेस देन 999 प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये था नंबर डेटा टाइप, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और कुछ डाउट अभी भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस लेक्चर का नोट्स पाने के लिए आप मुझे इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको नोट्स मिल लेना है वो आपको मैं बता दूंगा, और अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, वीडियो पे नए हो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अभी स्कूल के लेक्चर्स आने वाली हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका ये फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी डाउट जो है, जो आप अब तक सिर्फ नंबर पढ़ते होंगे कि नंबर सिर्फ नंबर नंबर को स्टोर करते हैं, बट किस तरीके से डेटाबेस उसको एलोकेट करता है, किस तरीके का डिफरेंट वेज होता है स्टोर करने का, ठीक है, वो आप उनको भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग देखेंगे कंस्टेंट के बारे में, ठीक है, जो हमने कहां पढ़ा था, ईएफ कॉर्ड रूल में, जहां दो तरह से डेटा को वैलिडेट करते थे, डेटा टाइप की तरह से और कंस्टेंट की तरह से। तो डेटा टाइप हमने पढ़ लिया, अब है बाकी कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट जिस तरीके से डेटा को वैलिडेट करते हैं, जहां डेटा टाइप को हमने पढ़ा था कंपलसरी रहता है और कंस्टेंट ऑप्शनल रहता है। कितने तरह के कंस्टेंट होते हैं, 5 तरह के कंस्टेंट होते हैं, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मिले, वहां पे हम लोग कंस्टेंट के बारे में बातें करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।